नमस्कार किसान भाइयों। तो ये आज हम आए हुए हैं महिंद्रा के एजेंसी पे। तो ये 265 की मिस्त्री सर्विस कर रहे थे, तो आज इसकी सर्विस के बारे में बताते हैं कि इसकी पहली सर्विस में होता क्या है। ये ट्रैक्टर इसकी पहली सर्विस हो रही है, तो आपको दिखाते हैं कि पहली सर्विस में क्या क्या होता है। तो ये देख सकते हो, मिस्त्री ने नीचे से ऑयल निकाल लिया है और ये इसका फिल्टर चेंज होगा और इसका ये फिल्टर चेंज होगा, एयर फिल्टर चेंज होगा इसका। और अगली तरफ से दिखाता हूँ, अभी ये इसका एयर फिल्टर चेंज होगा ये वाला, और ये इसका डीजल फिल्टर। और ये देख सकते हो, ये डीजल फिल्टर खोल लिया है यहाँ पे, नीचे पड़ा है, और नीचे से नट खोल के ये ऑयल निकाल लिया है इसका। तो अभी जानकारी देते हैं, ये माँ गंगा ट्रैक्टर चंदौसी रोड बाबराला संभल, ये एजेंसी वालों का नंबर है। अगर आपको कुछ ट्रैक्टर वैक्टर चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो। और ये किसान भाइयों, सर्विस का सामान आ चुका है, डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर और इसका एयर फिल्टर। और ये लगे हुए हैं, ये इसका एयर फिल्टर का, जिसमें एयर फिल्टर लगता है वो साफ कर रहे हैं ये। ये एयर फिल्टर का ये साफ हो चुका है। और ये इसका ऑयल फिल्टर, ये इस जगह पे इसका ऑयल फिल्टर लगता है 265 का। तो ये खोल के डाल लिया, यहाँ पे नया फिल्टर लगेगा पहली सर्विस पे। हर सर्विस पे इसका ऑयल फिल्टर बदलना ज़रूरी होता है, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर। और ये चीज़ तो इसकी सर्विस में ज़रूरी है। महिंद्रा 265 DI XP प्लस भूमि पुत्र, XP प्लस का मतलब एक्स्ट्रा पावर। ये सन 2023 न्यू मॉडल है ट्रैक्टर। और ये इसका डीजल फिल्टर नया लगा दिया इसमें। देखो कूलेंट पड़ा हो किधर, कूलेंट आ दो। ऑयल डीजल फिल्टर कंप्लीट हो चुका है। आ दो। एसी से सही बोल रहे हो, एसी से ठंडा रहेगा पूरा ही। ये डीजल फिल्टर कंप्लीट, डीजल फिल्टर ये कंप्लीट हो चुका है डीजल फिल्टर। ये इसमें पंप मार के डीजल फिल्टर भरना होता है। ये जब डीजल फिल्टर पड़ता है, डीजल फिल्टर बदलने के बाद में पंप मार के भरना पड़ता है। तो ये खास करके सर्विस में, अगर आप यदि ट्रैक्टर की सर्विस घर पर कर रहे हो तो खास करके याद रखें। ये भर चुका है इसका डीजल फिल्टर। और पल्ली तरफ से दिखाता हूँ किसान भाइयों, पल्ली तरफ से ये इसका डीजल फिल्टर भी, ये भी कंप्लीट हो चुका है। ये किसान भाई हो, यहाँ पे इसका ऑयल पड़ेगा, डाल दे रहा पूरा है।
और ये किसान भाइयों दूसरी सर्विस हो रही है, मैंने समझा था इसकी पहली, ये दूसरी सर्विस हो रही है 350 घंटे पे, 350 घंटे पे इसकी दूसरी सर्विस। किसान भाइयों पुराना इसमें से कूलेंट निकाल लिया और सर्विस पे नया कूलेंट, सर्विस पे हर सर्विस पे इसका कूलेंट बदलना ज़रूरी होता है ताकि ट्रैक्टर इंजन इसका कूल रहे, हीटिंग ना पकड़े, ये याद कर लें खास करके कि इसका हर सर्विस पे कूलेंट, सर्विस के साथ ही कूलेंट चेंज करना चाहिए ट्रैक्टर का। किसान भाई बहुत से होते हैं कि एक ही कूलेंट पड़ा रहने देते हैं, लेकिन नहीं, सर्विस पे हर सर्विस पे कूलेंट को याद करके चेंज होना चाहिए ताकि इंजन की लाइफ बनी रहे। तो ये देख सकते हो यहाँ से ये वाला पाइप मिस्त्री ने खींच के निकाल के पुराना निकाल दिया है, और जो अब सर्विस हो रही है इसकी, तो अब ये नया डलेगा इसमें। तो ये देख सकते हैं हर सर्विस पे इसका सी ऑयल भी चेक कर लें कि सी ऑयल कहीं पे ट्रैक्टर का कम तो नहीं है, ताकि गियर बक्से में कमी ना आए। तो सर्विस पे सारा ही ट्रैक्टर चेक करना चाहिए। अभी ये दिखाते हैं इसका सी ऑयल कितना है, ये अभी दिखाते हैं पूरा है या पूरा। तो किसान भाइयों इसमें सी ऑयल भी कम है इस ट्रैक्टर में, ये इसकी दूसरी सर्विस हो रही है, इसमें सी ऑयल भी कम है, तो इसमें सी ऑयल भी डलेगा। देख सकते हो किसान भाइयों, किसान भाई ने साउंड भी लगवा रखा है, ट्रैक्टर भी जमा रखा है, लेकिन इसमें आप सभी ने ये किसान भाइयों सर्विस होके कंप्लीट हो चुका है। सर्विस होके चेकिंग हो रही है ट्रैक्टर की, आप सभी ने देख लिया होगा कि सर्विस में क्या क्या चीज़ मेन होती है। तो आपको मैं दोबारा से एक बार बता दूं कि पहले सर्विस जो भी होगी सर्विस, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर और इसका कूलेंट और इंजन ऑयल और एयर फिल्टर, ये इसमें खास चीज़ें, पांच चीज़ें हर सर्विस पे इसकी चेंज करनी चाहिए। बहुत से किसान भाई होते हैं कि डीजल फिल्टर वही चलने दिया या ऑयल फिल्टर वही चलने दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर सर्विस पे ये पांच चीज़ें बदलनी चाहिए ट्रैक्टर की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही वीडियो आपको जानकारी की मिलती रहेंगी। जब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।